इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ऐसा कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने स्टे का षड्यंत्र किया था, कांग्रेस घटिया राजनीति और षड्यंत्र कर रही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रयास जारी है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है, कांग्रेस का पाखंड नहीं चलने देंगे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजधानी भोपाल से। विधानसभा का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। 27% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस ने स्टे का षड्यंत्र रचा था। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और हमारा भरपूर प्रयास होगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि पिछड़े वर्ग को यह आरक्षण मिले। पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को 19 तारीख के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले आरक्षण लागू हो जाए इसकी कोशिश करते, लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। आसानी से स्टे होने दिया क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है, स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने और आज नौटंकी कर रहे हो। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी।